बेरी में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। बुलेट बाइक पर सवार होकर आए थे अज्ञात हमलावर। बेरी के कलानौर रोड पर होटल के बाहर दिया घटना को अंजाम। एक भाई ने मौके पर, दूसरे ने अस्पताल में जाकर तोड़ा दम। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जी हां, झज्जर जिले के बेरी कस्बे में दो सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। वारदात को देर रात अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक भाइयों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए बेरी के सामान्य अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बेरी थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि बेरी कलानौर रोड पर चिमनी गांव निवासी आनंद नाम का एक व्यक्ति एक होटल चला रहा था, जहां देर रात दो व्यक्ति बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और आनंद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे आनंद की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर चिमनी गांव पहुंचे, जहां बदमाशों ने आनंद के छोटे भाई कुलबीर पर भी हमला बोल दिया। गोलियां लगने के कारण कुलबीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान कुलबीर की भी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के तुरंत बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर चिमनी गांव के ही रहने वाले हैं और मृतक भाइयों के नजदीकी परिवार से संबंध रखते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन वारदात के पीछे की वजह का खुलासा तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। SHO जय भगवान ने बताया कि पुलिस ने अलग अलग 5 टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मर्डर का मामला है, डबल मर्डर है, क्या कुछ मामला है? ये एक्चुअली में बेरी कलानौर रोड के ऊपर एक काद्यान होटल है, वहाँ पे आनंद उर्फ नंदा करीब 2 महीने से काद्यान होटल को किराए पर लेकर चला रहा था। चिमनी गांव का रहने वाला ये, रात को हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे वहाँ पर गोली चला दी गई। वहाँ गए तो वहाँ एट द स्पॉट पे आनंद फायर आर्म से डेड स्पॉट हो चुके थे वहाँ पे। उसके बाद ये भी आइडेंटिफाइड हुए है, चिमनी गांव का ही है, बुलेट मोटरसाइकिल पे आए वहाँ, होटल से सीधा फिर गांव में गए। करीब 20 मिनट बाद जो आनंद है उसका छोटा भाई कुलवीर है, जाके उसको भी गोली मार दी। दोनों वहाँ से भाग गए, टीमें लगी हुई है हमारी, जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपियों की पहचान हुई है? आरोपियों की पहचान हो चुकी है, चिमनी गांव के ही, और एक डेड बॉडी का हमने आपको बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया, एक डेड बॉडी की जय रेफर होगी थी रात को, वहाँ भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बताया गया है आरोपी जो हैं वो परिवार से ही ताल्लुकात रखते हैं? इनके बहुत नज़दीकी परिवार से अच्छे ताल्लुकात, उनसे कोई रंजिश का अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। जब तक आरोपी पकड़े जाएंगे उनसे ही जनता से पूछताछ करेंगे कि वजह क्या थी, रंजिश क्या थी, लेकिन परिवार के इनको अच्छा संबंध थे, इनको कोई ऐसी रंजिश ना कभी पहले क्रिमिनल, उसका जो चिमनी का है जो मारने वाला गोली उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। परिवार का आना जाना था, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि किस वजह से उसने ये वारदात अंजाम दिया। कितनी टीमें लगी हुई हैं? टीमें कम से कम 3 तो सीआईए की लगी हुई है और हमारे थाने की 2-3 लगी हुई है। जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे और जैसी बात सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।